हेलो व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज मोहम्मद मंसूर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे मोबाइल का रिव्यू करने लगे हैं जो कि मेरे ख्याल से 24,000 की रेंज में बहुत अच्छा है। इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर के साथ बैक पर डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है और भी काफी नए फीचर्स मौजूद हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियोस आप जल्द से जल्द देख सकें। और इस फोन का नाम है मोटोरोला Z2 Force। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। मोटोरोला Z2 Force का डिजाइन बहुत ही प्रीमियम है। इस फोन की बैक 7000 सीरीज एल्युमिनियम की बनी हुई है। ये फोन यूनिबॉडी मेटल डिजाइन में आता है। ये फोन काफी थिन है। इस फोन की थिकनेस की बात करें तो वो सिर्फ 6.1 mm थिक है। इस फोन के वेट की बात की जाए तो वो काफी लाइट है। राइट हैंड साइड पे आपको पावर की और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं। डाउन साइड पे आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और टॉप पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें एक सिम और 1 microSD कार्ड का स्लॉट है। डिस्प्ले, इस फोन में आपको 5.5 इंच की इंप्रेसिव क्वाड HD रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन मिल जाती है। अगर आप डिस्प्ले के रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 1440p के हैं। इस प्राइस में शायद ही किसी फोन में आपको इस तरह का डिस्प्ले मिल सके जो कि बहुत ब्राइट, क्रिस्प क्वालिटी और लग्जरियस रिच कलर्स के साथ आता है। अगर इस डिस्प्ले को आप सनलाइट में कंपेयर करें तो व्यूइंग एंगल सनलाइट में बहुत अच्छे हैं, जहां ज्यादा फोन स्ट्रगल करते हैं या कर सकते हैं। Z2 Force आपके पास 2 स्क्रीन ऑप्शंस के साथ आता है, जिसमें से एक आउट ऑफ द बॉक्स वाइब्रेंट सेटिंग जिसमें आपको रिच कलर्स मिल जाते हैं। दूसरे मोड की बात करें तो वो रेगुलर मोड है, इसमें कलर ज्यादा नेचुरल दिखते हैं। परफॉर्मेंस ही एक ऐसा पोर्शन है जहां Moto Z2 Force बहुत खतरनाक है। ये फोन पावर्ड है कॉलकम के स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर के साथ और क्लॉक करता है 2.35 GHz पे विद एड्रीनो 450 GPU। ये फोन दो वेरिएंट्स में आता है, 4GB ऑफ रैम विद 64GB ऑफ स्टोरेज एंड 6GB ऑफ रैम विद 64 और 128GB ऑफ स्टोरेज। अगर आपको ये स्टोरेज भी कम लगती है तो आप इसमें 1TB तक का SD कार्ड भी लगा सकते हैं। मल्टीटास्किंग और वेब ब्राउजर की बात करें तो ये फोन बहुत ही स्मूथ चलता है, 30 सेकंड में ही एप्स खुल जाते हैं। डिमांडिंग गेम्स हैं जिस तरह के PUBG, वो हाई ग्राफिक्स के साथ, हाई FPS के साथ खेली जा सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। सॉफ्टवेयर, Motorola Z2 Force में आपको प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड के वर्जन 7.1.1 के साथ आता है। और अगर आप इसकी एंड्रॉयड पाई की अपडेट की बात करें तो वो भी आ चुकी है। इस सॉफ्टवेयर में आपको ज्यादा ब्लूटवेयर देखने को नहीं मिलते, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही क्लीन है जो कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। फिंगरप्रिंट, Motorola Z2 Force का फिंगरप्रिंट फ्रंट पे प्रेजेंट है। इस फिंगरप्रिंट की सिक्योरिटी की बात करें तो ये काफी सिक्योर और फास्ट है, खुलने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाता। बैटरी, इस फोन में आपको 2730 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है। वैसे नंबर्स के लिहाज से आपको ये बैटरी कम लग रही होगी, ऐसा मुझे भी लगा था, लेकिन Motorola ने इस फोन की बैटरी को इनक्रेडिबली अच्छे तरीके से मैनेज किया है और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये बैटरी आपको एक दिन का टाइम आराम से प्रोवाइड कर देगी। स्पीकर, इस फोन में आपको फ्रंट पे एक ही स्पीकर मिल जाता है। ये स्पीकर काफी लाउड है। ये स्पीकर दो तरीके से काम करता है, एक तो आपका लाउड स्पीकर और दूसरा इन कॉल रिसीवर। इस फ्रंट स्पीकर की वजह से आपको वीडियोज देखने में किसी तरह के ब्लॉकेज का सामना नहीं करना पड़ता। कैमरा, Motorola Z2 Force में आपको बैक पे डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। दोनों लेंस 12 मेगापिक्सल के हैं। गुड लाइटनिंग कंडीशन में कैमरा बहुत अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करता है, लेकिन लो लाइट शॉट्स में थोड़ी मार खा जाता है।
लो लाइट में हमें नॉइजी और कम डिटेल्स वाली पिक्चर्स देखने को मिली। आउटडोर या फिर डे लाइट में ये कैमरा वाइब्रेंट कलर्स और शार्प पिक्चर्स कैप्चर करता है। इस फोन के कैमरा की शटर स्पीड की बात करें तो वो काफी स्लो है। फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है जो कि अच्छी पिक्चर्स कैप्चर करता है। इंडोर सेल्फीज में फोन बहुत ही अच्छे पिक्चर्स लेता है, काफी अच्छे तरीके से लाइट को मैनेज करता है। Motorola Z2 Force 24,000 की प्राइस रेंज में ऐसा फोन है जिसमें आपको Snapdragon 835 का अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। फ्रंट पे आपको सिंगल फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं जो बहुत लाउड हैं। 1 डे की बैटरी लाइफ मिल जाती है। डिजाइन वाइज फोन बहुत ही प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है और डिस्प्ले की रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छे हैं। इस फोन के ड्रॉबैक्स की बात करें तो वो ये है कि इस फोन में आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता, वही पुराना 69 एस्पेक्ट रेशियो का डिस्प्ले मिलता है। बाकी ये फोन इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा है। अगर आपको ये फोन बाय करना है तो विजिट करें rakistan.pk, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।